बदलाव की लहर पूरे देश में है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिलेगा। पायलट साहब, एक सवाल जो प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी को लेकर उठाया था, उन्होंने कहा कि वो जो स्टेटमेंट है बड़ा अशोभनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, और किसी भी व्यक्ति को, विशेष रूप से वो लोग जो पदों पर आसीन हैं, उन लोगों को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका विरोध ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं लेकिन तमाम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोग भी कहते हैं कि इस प्रकार से उंगलियां उठाकर बेबुनियाद आरोप लगाना उस व्यक्ति पे जो देश के प्रधानमंत्री रहे हों, जिनका स्वर्गवास हो गया 25-30 साल पहले, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बौखलाहट का परिचय है। कितनी सीटों की अपेक्षा कर रहे हैं? हम तो मिशन 25 पे चल रहे हैं, उसी को मिशन पूरा करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। क्या आपके सरकार की भी परीक्षा है? स्वाभाविक है, 3 महीने हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, जनता उसको भी जज करेगी, और राजस्थान सहित पूरे देश में आज अंडरकरंट है कांग्रेस के पक्ष में, लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव 23 मई को स्पष्ट हो जाएगा। कर्ज माफी को आपने बड़ा मुद्दा बनाया था इलेक्शन में, क्या उस पर वोट पड़ेंगे? बिल्कुल, कर्ज माफी हम लोगों ने जो अनाउंस किया है 18,000 करोड़ का, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, लगातार लोग उस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कर्ज माफी ही हर चीज़ का उपाय नहीं है, हमने एक वादा किया था ताकि किसानों का जो भयानक क्रम है आत्महत्या का, उस पर रोक लगे। उसके बाद बहुत सारे हमने कदम उठाए ताकि किसानों की आमदनी, किसानों के जीवन को बेहतर बना सके। क्या जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, आपको लगता है कि कर्ज माफी का जो आपका मुद्दा है, क्या कौन भारी रहेगा? वो तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन भावनात्मक मुद्दों की बजाय जनता चाहती है कि रोजी रोटी की बात करें, रोजगार की बात करें, किसान की बात करें, और देश में जो संवैधानिक संस्थाओं को लगातार खोखला करने का काम बीजेपी ने किया है, उसके विरोध में पूरा देश एकजुट है। आपने जो 72,000 वाला मसला, आपको क्या लगता है कि वो गेम चेंजर होगा? आपने कोशिश काफ़ी की थी लेकिन इतना असर भाई, इस देश में देश के सबसे गरीब 20% लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी आर्थिक मदद देना चाहती है, उसको उससे बीजेपी को इतराज़ क्या है? वो 10 लोगों को 3 लाख करोड़ रुपये देना चाहते हैं, हम 25 करोड़ लोगों को देना चाहते हैं ताकि वो उनकी जेब में अतिरिक्त आमदनी आए और वो लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकें। हमारी न्यूनतम आय योजना एक गेम चेंजर है, इसका जवाब बीजेपी के पास है नहीं, इसलिए हमारे नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो राजीव जी हों, मनमोहन सिंह जी हों, लगातार उंगलियाँ उठा रहे हैं पिछली सरकारों पर, लेकिन आपके 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा देने को तैयार नहीं है, इसलिए आप समझ लीजिए कितनी असुरक्षा उनके मन में है।